जब हम डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस की है वेब माइनिंग की इसके अलावा और कौन सी एप्लीकेशन हैं जो आपके जहन में आती हैं उनमें से एक एप्लीकेशन मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा विच इज़ कॉल्ड टेक्स्ट माइनिंग अब वाई टैक्स माइनिंग इज इंपॉर्टेंट और टेक्स माइनिंग से हम मुराद क्या ले रहे हैं सबसे पहली चीज़ यह है कि हमें यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टैक्स माइनिंग इट है क्या टैक्स माइनिंग का मतलब यह है टू फाइंड आउट यूजफुल पैटर्न फ्राम अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ल डाटा अब आप ये बात एग्री करेंगे कि इंटरनेट जो है या किसी भी किस्म का अगर हम डाटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाटा अगर हम देखना चाहें तो वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है उस टेक्सट फॉर्म के डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बनाने की जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड टेक्सट माइनिंग यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है कि डेटा माइनिंग इन टेक्स्ट का जो नाम है वो है टेक्स्ट माइनिंग और इसमें हम कर कह रहे हैं वी ट्राई टू फाइंड समथिंग यूजफुल एंड सरप्राइजिंग फ्राम अ कलेक्शन ऑफ टेक्सुअल डॉक्यूमेंट्स अच्छा अब टैक्स माइनिंग कैसे डिफरेंट है इंफॉर्मेशन अट्रीवल से इन्फॉर्मेशन एट्रीवल जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है कि आपको जो यूज़र को पता होता है कि आपकी क्या क्यू रही है और उसके अगेंस्ट वो रिज़ल्ट ले, ले लेता है टैक्स माइनिंग का जो मोटिव है वो रिजल्ट निकालना नहीं है बल्कि उन पैटर्नस को फाइंड आउट करना है जो डाटा की अंडरस्टैंड में या नॉलेज को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल होते हैं डेटा माइनिंग वर्सेस डाटा बेस क्यूरीज़ ये सेम वही फ़र्क है जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में और टेक्स्ट माइनिंग में है डाटा बेस में और डेटा डाटा बेस क्यूरीज में और डेटा माइनिंग में भी वही फ़र्क है मीन्स के डाटा बेस क्यूरीज जब आप लगाते हो आपको पता होता है आपकी नीड क्या है आप एक क्यूरी लिखते हैं आपका आंसर आपके जहन में होता है उस तरह का जो आप चाह रहे हैं और आंसर रिट्रीव हो जाता है सिमिलर इन्फॉमेसन रिट्रीव में यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन की नीड होती है वो अपनी क्यूरी देता है उससे रेलिवेंट रिज़ल्ट को फाइंड आउट करता है और खत्म ऑन द अदर एंड टेक्स्ट माइनिंग में या डेटा माइनिंग में नीड इतनी क्लियर नहीं होती आप ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि डाटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है और जो एल्गोरिथम बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देता है आप उसकी तरफ मूव कर जाते हैं अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग्स की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं यहाँ पर हमने जो टाइप्स दी हैं या जो हमने बेसिस दी हैं वो हमने बताई हैं पाँच नंबर वन कीवर्ड और टर्म बेस्ड एसोसिएशन एनालिसिस इससे मुराद क्या है कि हम कुछ कीवर्ड्स उठा लेते हैं जैसे पर्टिकुलरली अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कह देते हैं कि भाई हमने एज uh, की बेस पे लेट्स एग्जांपल उठानी है तो हम कीवर्ड ये दे देते दे दे हैं कि जी 16 ईयर ओड 19 ईयर्स ओड और फिर हम देखते हैं कि हमारे सारे डाटा को या टेक्स्ट को हम माइन करेंगे बेस्ड ऑन आवर कीवर्ड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर कीवर्ड के बजाय एक पूरा का पूरा टॉपिक आप दे देते दे दे हैं जो इट्स सेल्फ कंबिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हो सकता है सिमिलरिटी डिटेक्शन सिमिलरिटी डिटेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को क्लस्टर करते हैं बाय अ कॉमन ऑथर या हम डॉक्यूमेंट्स को क्लस्टर करते हैं जो कॉमन सोर्स से आए हैं जैसे लट से कि हम कहते हैं कि जी एक ऑथर हमने ले लिया लट से कोई नावलिस के हम एग्ज़ाम्पल लेते ले हैं हम कहते हैं जी नसीम आजादी के सारे नावल उठा के लेके या हम ये कर सकते हैं कि जी ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के ले आओ जो लट से हमारे पास किसी एक कॉमन सोरस हैं लट से कुरान शरीफ के हम सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे कर लें तो ये सिमिलरिटी डिटेक्शन की एग्जाम्पल होगी सीक्वेंस एनालिसिस इसके अंदर हम ये करेंगे प्रेडिक्टिंग अ रिकरेंट इवेंट डिसकर्विंग ट्रेंड्स यानी कि इससे मुराद क्या हम ले रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे हमारे पास सीक्वेंसेस हैं जो एक कॉमन इवेंट को या ट्रेंड को हमारी तरफ लेके आ रहे हैं जैसे लेट्स से कि अगर हम इलेक्शन की बात करें इलेक्शन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि जी कौन सी पार्टी जो है वो हकूमत में आएगी कौन सी पार्टी है जो गवर्नमेंट जनरेट करेगी या गवर्नमेंट को बनाएगी तो हम क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि यार हम प्रेडिक्ट करेंगे कि करंट इवेंट जो है वो किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है कौन से जो ट्रेंड्स हैं करंट ट्रेंड सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्राइवेट ओरिएंटेड वो किस पार्टी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस एनालिसिस में आएगा नॉमली डिटेक्शन एनॉमली डिटेक्शन किया है कि लट से कि हमने एक अलगदम बनाया और हमने प्रेडिक्ट किया जी कि इलेक्शन जो है ना फ़लां पार्टी जीतेगी लेकिन हमारा एलिदम बड़ा अच्छा था पर जब प्रिडिक्शन एक्चुअल रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल ही रिवर्स आ गया तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एनॉमलीज हैं आउटलायर्स हैं जो हमारी इस प्रडिक्शन को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं कट ऑफ कर देते हैं इसी तरह कुछ और हैं डिस्कवरिंग ऑफ फ्रिकुन फ्रेजेज टेक्स सेगमेंटेशन इवेंट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग तो ये लिस्ट कंटिन्यूज गॉज ऑन जाती जाती है तो इसमें हम सिंपल कंक्लूड ये करना चाहेंगे के डेटा माइनिंग की पड़ी हुई टेक्निक्स और टूल्स को हम बड़ा ईजली अप्लाई कर सकते हैं फॉर टेक्स माइनिंग और टेक्स माइनिंग के अंदर हम क्या है हमारे पास बेश बहा एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कुछ एक अपनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न माइनिंग डाटा रिट्रीवल और डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए